हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फ़िश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने, ये एक पोल्ट्री फार्म है जिसके अंदर 3000 बच्चे अभी इसमें हैं, और जो ये बच्चा है वो अभी 17 दिन का हो चुका है। और इसका वजन पता है आपको कितना है? अच्छा, तो इसका अभी दोस्तों वजन की नहीं बता सकता मैं, 600 ग्राम होगा लगभग, 600 ग्राम तो इसका बर्ड का वेट ज़रूर होगा दोस्तों, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम है, इतना नहीं है, धूप अभी निकल आई है तो। और ये बगल में देख सकते हैं आप, ये रेलवे लाइन है यहाँ पे, इससे इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है इनको। तो फ्रेंड्स, इनका जो वज़न होगा वो 600 ग्राम के करीब होगा। और भी कोई जानकारी है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं सारी जानकारी फीड से रिलेटेड। और जब भी आप फार्म में बच्चा डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो बेस है वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, और लिटर भी आपका परफेक्टली सूखा होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आपके फार्म के आसपास अभी सर्दी है तो आप पूरे फार्म को पैक करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फार्म में गैस नहीं बननी चाहिए। अगर आपके फार्म में गैस बनेगी तो असाइटिस की प्रॉब्लम आपके फार्म में आ सकती है। और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके की नॉलेज लेते रहिएगा। आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, थैंक यू। हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है आजकल।